हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका सुमो भाई लोधी में। तो हम लोग आज का सेशन चालू करते हैं अपना, क्वेश्चन आंसर वाला। देखिए, मैच द कॉलम वन विद कॉलम टू इन मॉडर्न मैन क्लासिफिकेशन एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड। तो मैन के क्लासिफिकेशन में हम लोग किसको बिलोंग करते हैं? किंगडम एनिमिलिया में हम लोग आते हैं। उसके बाद फाइलम है हमारा कॉर्डाटा, उसके बाद हमारा फाइलम कॉर्डाटा में हम लोग हो गए। क्लास हम लोग की मेमेलिया है, ऑर्डर हमारा प्राइमेटा है। ऑर्डर प्राइमेटा, इसको याद रखिएगा, हम लोग प्राइमेट्स। ऑर्डर प्राइमेटा में हम लोग के साथ कौन है? एप्स है, मंकी है, और हम लोग का फैमिली है होमिनिडी। फैमिली होमिनिडी में आते हैं। उसके बाद जीनस हमारा होमो, और सेपियंस हमारी स्पीसीज। ये हमारा हो गया होमो सेपियंस, हम लोग का पूरा क्लासिफिकेशन हो गया, जिसमें आपको फाइलम तो पता ही है, आपको क्लास भी पता है, ऑर्डर जरूर याद रख लीजिएगा प्राइमेटा, और फैमिली जरूर याद रख लीजिएगा होमिनिडी। ऑर्डर प्राइमेटा आपको हेल्प करेगा जब आप मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल में लिखा रहता है कि फीमेल प्राइमेट्स जो हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल दिखाती हैं। तो प्राइमेटा में हमारे साथ और कौन है? हमारे साथ एप्स है और हमारे साथ मंकीज है। एप्स में आपके गोरिल्ला, गिब्बन, ओरंगटन, चिंपैंजी, ये एप्स हो गए और मंकीज हो गए। ठीक है जी। होमिनिडी फैमिली आपको इवोल्यूशन जब आप पढ़ेंगे तब वहाँ पे ये टर्म काम आएगा, होमिनिडी। तो ये इसको मैच कर लीजिएगा, अब उसमें कुछ बचा नहीं, आगे चलता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? हर्बेरियम हाउसेस, ड्राइड प्रेस, प्रिजर्व प्लांट स्पीसीज। ठीक बात है, स्पेसीमैन, प्लांट स्पेसीमैन को हम लोग हर्बेरियम शीट पे उसको प्रिजर्व करके लगाते हैं, प्रेस करके, ड्राइड करके। ठीक बात है। बोटानिकल गार्डन हैज़ कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स। ठीक बात है, बोटानिकल गार्डन में आपको लिविंग प्लांट्स मिल रहे हैं, हम लोग लाइव प्लांट को ग्रो करा रहे हैं वहाँ पे। म्यूजियम हैज़ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ एंड प्लांट एंड एनिमल, ये स्टेटमेंट गलत है। म्यूजियम में आपको ज़्यादातर स्पेसिमैन स्टफ्ड मिलेंगे, स्पेसिमैन प्लांट और एनिमल का, वो भी एनिमल्स के ज़्यादा। तो सी स्टेटमेंट इसका इनकरेक्ट है और हमें इनकरेक्ट ही चुनना था, इसलिए यही आंसर हो गया। सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट रिगार्डिंग द करेक्टरिस्टिक ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म। मिथेनोजेंस आर्किबैक्टीरिया विच प्रोड्यूसेस मिथेन। मिथेनोजेंस आपको दलदली जगह पे मिलना है, जहाँ पानी बहुत होता है, और वहाँ पे ये मिथेनोजेंस दलदली जगह पे मिलने वाले, ये मिथेन जनरेटिंग है, इसीलिए इनका नाम मिथेनोजन है। स्ट्रिक्टली एनएरोबिक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये सर्वाइव नहीं करेंगे। बैक्टीरियल सेल मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है यहाँ तक स्टेटमेंट, लेकिन आगे कह रहा है सेलुलोजिक पॉलीसेक्राइड है, सेलुलोजिक पॉलीसेक्राइड नहीं है, पेप्टिडोग्लाइकेन नॉन सेलुलोजिक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हीटरोट्रॉफिक, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं, ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। माइकोप्लाज्मा लैक सेल वॉल कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये स्टेटमेंट ठीक है। ये दो स्टेटमेंट आपके पहला और चौथा ठीक है, इसलिए जवाब आपका हो गया बी। चलिए आगे चलता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर कर रॉन्ग और करेक्ट? क्लोरेला स्पाइरुलिना यूज्ड एज स्पेस फूड, जी हाँ, एस्ट्रोनॉट्स उसको, ये हमारे सिंगल सेल प्रोटीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्पेस फूड के काम आते हैं। मैनीटॉल इज स्टोर्ड फूड इन रोडोफाइसी, मैनीटॉल स्टोर्ड फूड है किसका? फियोफाइसी का, रोडोफाइसी का नहीं, रोडोफाइसी का होता है फ्लोरिडियन स्टार्च, तो ये स्टेटमेंट गलत है। एल्गिन कैरागिन प्रोडक्ट्स ऑफ एल्गी ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गा एंड ब्राउन एल्गा, ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। एल्गिन और कैराजिन एल्गी के तो प्रोडक्ट है, लेकिन एल्गिन प्रोडक्ट है ब्राउन एल्गा का, कैराजिन प्रोडक्ट है रेड एल्गा का, तो ये स्टेटमेंट भी गलत। अगर अगर ऑब्टेन फ्रॉम जेरिडियम ग्लैसिडेरिया, ये स्टेटमेंट ठीक है, तो आपके गलत हो गए, बी सी ए और डी आपके सही है। ठीक है जी, आगे चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच ऑफ फाइलम एंड इट्स एग्जाम्पल? एनिलिन में नेरिस, फेरिटीमा, एपिस, एपिस हमारा आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, ऑफियूरा, ब्रिटल स्टार जिसको बोलते हैं, एंटीडॉन, कुकुमेरिया, ठीक है, ये तीनों ही इकाइनोडर्मेटा के मेंबर हैं, रट लीजिएगा। मोलस्का में डेंटेलियम, पिंक टाटा, हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया आपकी एनिलिड है। एस्केलमेंथीज में एनसाइक्लोस्टोमा, वोकेरेरिया, ये दोनों तो एनसाइक्लो एस्केलमेंथीज में आ गए, लेकिन एस्टेरियाज हमारा इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है, तो ये वाला आपका, ये वाला इकाइनोडर्मेटा में जो तीनों दिए गए ये मेंबर इकाइनोडर्मेटा के हैं, इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। द टेक्निकल टर्म यूज फॉर एंड्रोशियम इन फ्लावर ऑफ चाइना रोज, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनोएडल्फस। मोनोएडल्फस का ये मतलब है कि ये जो स्टैमिन्स है, स्टैमिन्स के फिलामेंट आपस में जुड़े होंगे, एक बंडल बनाएंगे, उसको बोलते हैं मोनोएडल्फस। और डाइएडल्फस अगर दो बंडल होते हैं तो उसको डाइएडल्फस बोलते हैं। ये इसका एग्जाम्पल आपका मोनोएडल्फस का चाइना रोज है, डाइएडल्फस का पी है, और
पॉली एडल्फस एक से ज्यादा अगर उसमें हो गए, पॉली एडल्फस हो जाएगा, तो उसका एग्जाम्पल हमारा सिट्रस है, कैस्टर है। ये देखिए सिट्रस कैटरस, सिट्रस और कैस्टर, पॉली एडल्फस, डाई एडल्फस का पी, मोनो एडल्फस का हमारा चाइना रोज। ठीक है जी, रख लीजिएगा इसको, आप चाहें तो पिक्चर लेके इसकी कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, वेसल्स आर यूनिसेलुलर विद नैरो ल्यूमन। यूनिसेलुलर नहीं होते वेसल, मेंबर से मिलकर बनी होती, मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर विद वाइड ल्यूमन, यही ठीक है। ट्रैकेट्स यूनिसेलुलर विद वाइड, ट्रैकेट्स यूनिसेलुलर तो है लेकिन नैरो ल्यूमन है, ट्रैकेट्स मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर नहीं यूनिसेलुलर है लेकिन यहाँ पे साथ में वाइड लिखा है, नैरो ल्यूमन है। आंसर आपका ये हो जाएगा, वेसल्स आर मल्टीसेलुलर विद वाइड ल्यूमन। ठीक है जी, बी आंसर हो गया इसका। ये इसका डायग्राम है, आप चाहो तो इसको पॉज करके इसका ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, आगे बढ़िए। वेसल्स जिम्नोस्पर्म में नहीं है, यहाँ ये पे भी लिखा है, ये बात भी ध्यान दे लीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयरिंग ऑफ बॉडी पार्ट एंड काइंड ऑफ मसल अटैच टू इट। हार्ट वॉल में इनवॉलेंट्री मसल्स है, अनस्ट्रेटेड है, स्ट्रेटेड है। हार्ट में भी आपको कार्डियक मसल्स में भी स्ट्रिप्शन देखने को, स्ट्राइप्स देखने को मिलेंगे। बाइसेप्स ऑफ अपर आर्म स्मूथ मसल्स की नहीं, स्ट्रेटेड मसल की बनी होती है, ये भी गलत, ये भी गलत। एबडोमिनल वाल स्मूथ मसल्स की है, वॉलेंट्री नहीं, हाँ स्मूथ मसल्स एबडोमिनल वाल हमारी वॉलेंट्री, ये ठीक है, लेकिन स्मूथ मसल्स नहीं, स्ट्रेटेड मसल की। आयरिस इनवॉलेंट्री स्मूथ, यही ठीक है, ये वाला आपका स्टेटमेंट ठीक है। आयरिस जो है हमारा इनवॉलेंट्री मसल से, स्मूथ मसल से बना है, ठीक है। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट्स, साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजिलेटेड सेल, साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं मिलता, बिल्कुल ठीक है। माइकोप्लाज्मा वॉललेस, जी हाँ ये बैक्टीरिया ऐसे जिसके चारों तरफ वॉल नहीं है। बैक्टीरिया सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। पाइलाई एंड फिम्ब्रिया मेनली इन्वॉल्व इन मोर्टेलिटी, बैक्टीरियल सेल की मोर्टेलिटी के लिए फ्लैजिला जिम्मेदार है, फिम्ब्री अटैचमेंट के लिए जिम्मेदार है, सरफेस को होल्ड करने के लिए, क्लिंग करने के लिए, और पाइली हमारा जिम्मेदार है फॉर द कॉन्जुगेशन ट्यूब, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता है। तो ये डी आपका स्टेटमेंट जो है ये गड़बड़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मिथियोनिन इज सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, बिल्कुल ठीक है। सिस्टीन और मिथियोनिन दो सल्फर कंटेनिंग होते हैं एंड हैज ओनली वन जेनेटिक कोड, ये बात भी ठीक है, एक ही जेनेटिक कोड है इसके लिए, दैट इज GUG, AUG होता है स्टार्ट कोडॉन, तो ये स्टेटमेंट गलत। सुक्रोज इज डाइसैक्राइड एंड इज अ टाइप ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, सुक्रोज डाइसैक्राइड है लेकिन नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर नहीं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर वो है जिसमें फ्री एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप नहीं है, रिड्यूसिंग शुगर वो है जिसमें फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप होगा और बैंडिक सोल्यूशन का रिडक्शन कर सकता है। सेलुलोज इज अ पॉलीसैक्राइड, ठीक बात है, पॉलीसैक्राइड है, बीटा ग्लूकोज का, ये बात भी ठीक है। हैविंग 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड, ये बात भी ठीक है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड होते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका सी ठीक है। यूरेसिल इज पाइरिमिडीन, ठीक बात है, यूरेसिल पाइरिमिडीन है और ये हम लोग के जो प्यूरिन्स हैं एडिनिन और ग्वानिन है, पाइरिमिडीन आपके साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल है। थायमिन आपको मिलेगा डीएनए में, यूरेसिल आपको मिलेगा आरएनए में, प्रेजेंट इन आरएनए, यहाँ तक स्टेटमेंट ठीक। गिविंग इट स्टेबिलिटी, डी स्टेबल करता है उसको, स्टेबिलिटी नहीं देता, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सही कौन सा है, सी वाला कि सेलुलोज जो है पॉलीसैक्राइड है, बीटा ग्लूकोज का बना है और उसमें 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड नहीं है, ठीक है जी। हाँ जी, असोमेटिक सेल दैट हैज जस्ट कंप्लीटेड एस फेज, तो आप देखिए इंटरफेज की G1S G2, G1 में एंटर हुई सोमेटिक सेल है, इसका मतलब 2N लेके एंटर हुई, एस फेज जस्ट कम वहीं रहेंगे एज कम्पेयर टू गैमीट, और आखिरी में जाके जब ये गैमीट बना देता तब उसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने हो जाते हैं, फाइनली जब ये बना देता है गैमीट तो हमारा 2N था, गैमीट में N हो जाएगा और कंटेंट हो जाएगा C, 2C और 2N से मतलब DNA कंटेंट भी हाफ हो जाता है और क्रोमोजोम नंबर भी हाफ हो जाता है। फाइनली सोमेटिक सेल जो जर्म मदर सेल है जब वो कंप्लीट कर लेती मियोसिस, जब वो मियोसिस में एंटर हुई है 2C और 2N लेके एंटर हुई है, एस फेज के बाद इसका कंटेंट तो डबल हो जाएगा, 4C हो जाएगा, लेकिन ये इतना ही रहेगा। तो अगर हम देखें इसको, हम इसको बताना चाहें प्राइमरी जर्म सेल से या मदर सेल से, तो हम बोलते हैं कि क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं और डीएनए कंटेंट भी आधा हो जाता, लेकिन अगर हम एस फेज के बाद जो सीन है उस वाले के हिसाब से कंपैरिजन करें तो 4C हो चुका है और ये 2N ही है, तो इसका मतलब है 1/4 हो जाएगा क्रोमोसोम
क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाएगा और डीएनए कंटेंट एक चौथाई हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम लोग इसको क्रैक कर सकते हैं इतना जानने के बाद। तो ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ गैमीट से कितना, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम फोर टाइम्स ऑफ डीएनए, ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड फोर टाइम्स डीएनए। ये आया आंसर कि इस समय इसमें गैमीट की तुलना में कितना डीएनए कंटेंट है, फोर टाइम्स है, और क्रोमोसोम कंटेंट कितना है, डबल है। तो ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड फोर टाइम्स ऑफ डीएनए। आई बात समझ में? नहीं आई, अरे भैया मेरे टू सी है सेल मदर सेल, ये एंटर हुई, एस फेस कंप्लीट हो गया, तो ये कंटेंट तो डबल हो गया फोर सी, लेकिन नंबर क्रोमोसोम तो वही है, क्रोमोसोम ऐसे था उसने अपनी रेप्लिका बना ली। तो पहले दो आम थे, आम दो ही हैं, दो दो किलो के थे, वो चार चार किलो के हो गए। ठीक है, तो अगर गैमीट की तुलना में देखें, गैमीट की तुलना में जो हमारी जर्म सेल एंटर होती है उसमें हम लोग कहते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, डीएनए कंटेंट आधा हो जाता है। उसका मतलब गैमीट से मदर सेल में कितना, मदर सेल में डीएनए कंटेंट कितना है गैमीट की तुलना में, डबल। लेकिन यहाँ तो क्योंकि एस फेस हो चुका तो इसका भी डबल हो गया ना, फोर टाइम्स हो गया, फोर सी है, तो हम लोग बोलेंगे डीएनए कंटेंट गैमीट की तुलना में कितना है, फोर टाइम्स, और क्रोमोसोम नंबर टू टाइम्स। तो ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड फोर टाइम्स ऑफ डीएनए इज द आंसर। ओके, आगे चलिए, सिलेक्ट करिए। रूट प्रेशर इज डेवलप ड्यू टू, रूट प्रेशर किस लिए, कैसे डेवलप हो जाता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड एक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल से। गटेशन इज ड्यू टू पॉजिटिव रूट प्रेशर, पॉजिटिव रूट प्रेशर से गटेशन होता है, जो शिराओं से पानी बूंद बूंद बन के बाहर आता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल ऑफ कॉर्टेक्स एडजेसेंट टू कॉर्टेक्स सेल इन रूट इज ड्यू टू, क्यों, क्योंकि वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये आंसर, अ कॉलम ऑफ वाटर विद इन जाइलम वेसल्स ऑफ टॉल ट्री डज नॉट ब्रेक अंडर इट्स वेट ड्यू टू हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये तो किसके अपोजिट क्या लिखेंगे आप, रूट प्रेशर इज डेवलप ड्यू टू पॉजिटिव रूट प्रेशर, इसके आगे लिख लीजिए फोर, गटेशन अकर ड्यू टू पॉजिटिव रूट प्रेशर, रूट प्रेशर इज डेवलप ड्यू टू एक्टिव एब्जॉर्प्शन, इसके आगे लिखिए थ्री, एक्टिव एब्जॉर्प्शन इसके आगे लिखिए फोर, एक्टिव एब्जॉर्प्शन और से एक्टिव एब्जॉर्प्शन और एक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन से रूट प्रेशर डेवलप हुआ। गटेशन के लिए जिम्मेदार कौन है, पॉजिटिव रूट प्रेशर, इसके आगे लिखिए फोर, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल इन कॉर्टेक्स एडजेसेंट सेल्स में, उसके लिए जिम्मेदार कौन, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसके आगे लिखिए वन। कॉलम ऑफ वाटर, वो एकदम सतत धारा चल रही है पानी की, टूट नहीं रहा जाइलम में, वो क्यों, क्योंकि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इसके आगे लिख लीजिए टू। तो थ्री फोर वन टू आंसर हो गया, थ्री फोर वन टू, इसके आगे लिखिए थ्री, इसके आगे लिखिए फोर, इसके आगे लिखिए वन, इसके आगे लिखिए टू। ठीक है जी, आगे चलिए। लेगुमिनस प्लांट्स आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। लेग हीमोग्लोबिन स्कैवेंज ऑक्सीजन एंड पिंकिश इन कलर, तो भैया लेग हीमोग्लोबिन नाइट्रोजिनेस एंजाइम जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में काम नहीं कर पाएगा, लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन स्कैवेंजर है, ऑक्सीजन को हटाता रहता, पिंकिश कलर का, बिल्कुल ठीक बात है। नोड्यूल्स एक्ट एज साइट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, नोड्यूल्स नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं हार्बर, राइजोबियम और फ्रेंकिया। तो लेगुमिनस प्लांट ऊपर लिखा है, लेगुमिनस प्लांट के नोड्यूल में फ्रेंकिया नहीं मिलता, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। लेगुमिनस प्लांट के नोड्यूल्स में आपको कौन मिलेगा, राइजोबियम, और नॉन लेगुमिनस प्लांट में आपको मिलेगा फ्रेंकिया। यहाँ पे लिखा है कि लेगुमिनस प्लांट के जो नोड्यूल्स हैं उसमें आपको राइजोबियम या फ्रेंकिया मिल सकता है, ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। ठीक है, द एंजाइम नाइट्रोजिनेस कैटालाइज कन्वर्जन ऑफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया एंड फॉर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया 16 ATP गेट कंज्यूम, बिल्कुल ठीक बात है, दो मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं 16 ATP कंज्यूम हो जाते हैं, एक अमोनिया के लिए 8 ATP, दो के लिए 16, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। आगे चलिए, नाइट्रोजिनेस इज इनसेंसिटिव टू ऑक्सीजन, नाइट्रोजिनेस लिख रहा है इनसेंसिटिव ऑक्सीजन के लिए, सेंसिटिव है भाई नाइट्रोजिनेस, बहुत सेंसिटिव है। तो ये और ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, दो स्टेटमेंट इसमें गलत हैं। ठीक, चलिए आगे, रीड द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द राइट ऑप्शन हैविंग बोथ करेक्ट स्टेटमेंट। जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ PS1 ओनली, जेड स्कीम में PS2 भी होगा, PS2 से निकले इलेक्ट्रॉन यहाँ से डाउन द ग्रेडियंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से आते हुए PS1 पे आएंगे, PS1 से आगे जाएंगे और यहाँ पे NAD+ उसको ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और NADH2 में रिड्यूस हो जाएगा। बाहर से वो स्ट्रोमा साइट से क्या ले लेगा, स्ट्रोमा से वो ले लेगा हमारे प्रोटॉन।
तो PS1 और PS2 दोनों का रोल है, ये स्टेटमेंट गलत है। ओनली PS1 इज फंक्शनल इन साइक्लिक फास्फोरिल, साइक्लिक फास्फोरिलेशन जब हो रहा होता है केवल PS1 फंक्शनल होता है, ये स्टेटमेंट ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट ठीक है। साइक्लिक फास्फोरिलेशन रिजल्ट इन द सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH2, NADPH2 नहीं बनता, ये स्टेटमेंट गलत है। स्ट्रोमा लैमले लैक PS2 एज वेल एज NADP। हाँ, स्ट्रोमा लैमले, ये स्ट्रोमा लैमले जो दो ग्रैना को जोड़ रहा, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे केवल PS1 है, PS2 भी नहीं है, NADP भी नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सेकंड एंड फोर्थ दो स्टेटमेंट गलत है हमारे, कौन से, बी गलत है और डी गलत है। तो जिसमें बी और डी बता रहा है, ये वाला बी चुन लीजिए, ये स्टेटमेंट इसका ये हो जाएगा आंसर। ठीक, चलिए आगे। इन C4 प्लांट द बंडल शीट सेल, C4 प्लांट में बंडल शीट सेल जो वेस्कुलर बंडल्स के चारों, वेस्कुलर टिश्यू के चारों तरफ जो सेल्स हैं वो क्या है, हैव थिन वॉल, थिन वॉल नहीं होती, थिक वॉल होती है, फैसिलिटेट गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज के लिए इंपरमिएबल होती, गलत है स्टेटमेंट। हैव लार्ज इंटर सेलुलर स्पेसेस, गलत है, लार्ज इंटर सेलुलर स्पेसेस नहीं होती। आर रिच इन पेपकोज, पेपके के लिए रिच है, पेपकेस यहाँ पे बंडल शीट सेल में नहीं होता, पेपकेस होता है हमारा मीजोफिल सेल में, ये स्टेटमेंट भी गलत है। हैव हाई डेंसिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जी हाँ, इसमें क्लोरोप्लास्ट खूब होते हैं, ये स्टेटमेंट ठीक है। चौथे वाला स्टेटमेंट चुन लीजिए, चौथे वाला स्टेटमेंट ठीक है। पार्थिनोकार्पी टोमेटो फ्रूट कैन बी प्रोड्यूस बाय बाय ट्रीटमेंट विद ऑक्सिन्स एंड जिब्रेलिन, आपके NCERT की लाइन है, ऑक्सिन्स और जिब्रेलिन से ट्रीटमेंट करेंगे पार्थिनोकार्पी विदाउट फर्टिलाइज्ड ओवेरी, अगर टर्न अप हो जाए फ्रूट में तो विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवेरी वेंट फ्रॉम फूड दैट इज नोन एज पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी में हमारे सीडलेस होगी क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड्स बनाते हैं, फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बन रहा, इसको पार्थिनोकार्पी भी बोलते हैं। और ऑक्सिन्स और जिब्रेलिन्स के एप्लीकेशन से हम लोग पार्थिनोकार्पी इंड्यूस कर सकते हैं। ऑप्शन सी, ट्रीटिंग द प्लांट विद लो कंसेंट्रेशन ऑफ जिब्रेलिक एसिड एंड ऑक्सिन्स, ऑक्सिन्स और जिब्रेलिन से ट्रीटमेंट करिए पार्थिनोकार्पी फ्रूट बना सकते हैं। पार्थिनोकार्पी टोमेटो फ्रूट कैन बी प्रोड्यूस बाय प्रोवाइडिंग सर्टन कंसेंट्रेशन ऑफ प्लांट हार्मोन लाइक ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन इन पर्टिकुलर रेशियो। ठीक है जी, तो ऑक्सिन और जिब्रेलिन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, डेंटल फार्मूला ऑफ एडोलसेंट ह्यूमन बीइंग बिफोर 17 साल से पहले, एडोलसेंट एज 13 से 16 साल के बीच में जब युवक बन रहा होता है, कहिए कि आप बन रहा होता है कि मर्द, तो युवक के मर्द बनने का जो है वो एडोलसेंट एज बन आ गई हमारी किशोरावस्था कह लीजिए, इसमें कह रहा है जी 17 साल से पहले भी 17 साल पूरे नहीं हुए, 17 साल पूरे नहीं हुए तो अभी थर्ड मोलर नहीं उगेगा, थर्ड मोलर नहीं उगेगा अगर, तो हमारा जो मैच्योर ह्यूमन बीइंग का अगर हम लोग देखें डेंटल फार्मूला 2123 2123 है, दो हैं आपके इंसाइजर, एक है कैनाइन, दो हैं आपके प्री मोलर और तीन है मोलर, तो ये टोटल 8 हो गए और ये भी टोटल नीचे भी 8 हो गए। ये जो डेंटल फार्मूला हम लोग लिखते हैं आधे जबड़े के लिए लिखते हैं, हाफ ऑफ द अपर जॉ और हाफ ऑफ द लोअर जॉ, तो आधे के लिए लिखा तो पूरे जबड़े में ऊपर 16 और निचले पूरे जबड़े में 16, 32 ही कहते हैं ना, हम मारेंगे हाथ 32 ही तोड़ देंगे। तो दो तो हैं सबसे पहले हमारे इंसाइजर, फिर एक है हमारा कैनाइन, फिर दो हैं हमारे प्री मोलर और तीन है हमारे मोलर, तीसरा मोलर जो है विजडम टीथ कहलाता है, वो 17 साल के बाद आता, तो यहाँ पे यही पेच है कि 17 साल से पहले उसने पूछा, तो ये आंसर हो जाएगा 21 22 21 22। मैच्योर ह्यूमन बींग का 21 23 21 23 होता है और बालक का आपका मतलब कहिए कि चिल्ड्रंस का, चिल्ड्रन में 2102 2102 20 हमारे मिल्क टीथ है, तो ये मिल्क टीथ आते हैं उनमें 20, तो ये आपके चिल्ड्रन का है, ये आपके मैच्योर ह्यूमन बीइंग का है और ये आपके 17 साल से पहले एडोलसेंट एज में किसी का है। ठीक है जी, याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एंड एडल्ट ह्यूमन बीइंग हैज 32 परमानेंट टीथ विच आर ऑफ 4 टाइप, चार तरह के हैं, हेटरोडॉट डेंटिशन है, नेमली इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, द अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ इन द ऑर्डर इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डेंटल फार्मूला विच इज इन ह्यूमन बीइंग 2123 2123। डेंटल फार्मूला ऑफ चाइल्ड 2102 2102, तो टोटल 20 टीथ होते हैं, द लास्ट 6 ईयर तक सब लगभग वो आ जाते हैं, द लास्ट मोलर टीथ इन ईच जॉ कॉल्ड विजडम टीथ, बुद्धिमत्ता का टीथ, विजडम टीथ एंड नॉट प्रेजेंट बिफोर 17 ईयर्स ऑफ एज, 17 साल से पहले उसका इरप्शन नहीं होता, नहीं आता, हैंस ह्यूमन बिफोर 17 साल ऑफ एज से पहले 2122 2122। ठीक है जी, तो ये तीनों यहाँ पे दे रखे हैं, क्वेश्चन अच्छा है, रट लीजिएगा।
इन लंग्स द एयर इज सेपरेटेड फ्रॉम वेनस ब्लड थ्रू, तो लंग्स में ये एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई की किससे बनी हुई है, स्क्वामोज एपिथेलियम से, और ये हमारी ब्लड की वेसल है, ये किसकी बनी है, एंडोथेलियम से, और इनके बीच में क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, स्क्वामोज एपिथेलियम दिया, एंडोथेलियम दिया, इसको टिक लगा दीजिए, आगे बढ़िए, उसमें फिर और बुद्धि ना लगाइए। टूनिका मीडिया, टूनिका एक्सटर्ना, ये कैपिलरी में नहीं मिलते, ये आपको ब्लड वेसल्स में मिलते हैं, आर्टरीज में मिलेंगे, ब्लड वेसल्स में मिलेंगे, हमारी आर्टरीज और ब्लड वेसल्स कितनी है, तीन लेयर की हैं, टूनिका एक्सटर्ना, टूनिका मीडिया, टूनिका इंटरना, लेकिन कैपिलरी सिंगल सेल, सिंगल लेयर होती है, उसको हम लोग एंडोथीलियम बोलते हैं, एपिथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी इज नोन बाय द टर्म एंडोथीलियम। तो केवल दो चीज़ें हैं, और इसको डिफ्यूजन बाउंड्री भी बोल दीजिए आप, डिफ्यूजन बाउंड्री 1 मिलीमीटर से कम थिकनेस की होती है, ये अपनी एनसीईआरटी बुक में लिखा। द एल्वियोलाई कंटेन स्पेशलाइज सेल दैट सीक्रेट अ फॉस्फोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स नोन एज पल्मोनरी सर्फेक्टेंट, जिसको लेसिथीन बोलते हैं। द फंक्शन ऑफ पल्मोनरी सर्फेक्टेंट टू रिड्यूस द सर्फेस टेंशन, सर्फेस टेंशन रिड्यूस कर देता है, जिससे एल्वियोलाई हर समय डिस्टेंडेंट रहते हैं, फूले रहते हैं। टू डिक्रीज द सर्फेस टेंशन मेकिंग इट ईजियर टू एक्सपेंड देम, ये आंसर है। रिजिड नहीं कर रहा उसको, फैसिलिटेट द डिफ्यूजन बाय प्रोवाइडिंग प्रोटीन चैनल, ये कोई मतलब नहीं है। सरफेस टेंशन रिड्यूस कर देता है, जिससे लंग्स सूले रहते हैं, अगर बच्चा पैदा हुआ है, लेसिथिन नहीं है तो बच्चा कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि वो सांस नहीं ले पाएगा। आंसर क्या हो गया, टू रिड्यूस द टेंशन मेकिंग इट ईजियर टू एक्सपेंड, ठीक। लेसिथिन ये आपकी बुक में शायद नहीं दिया, लेकिन चलिए रेटर लीजिएगा, कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस यूजली टेंड टू अकर इन प्लेन ड्वेलर्स व्हेन दे मूव टू हाई अल्टीट्यूड, यहाँ पे प्लेन में रहने वाले, समतल मैदान में रहने वाले जब हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं तो क्या उनमें चेंज देखने को मिलेगा, इंक्रीज इन ब्लड सेल साइज, नहीं, रेड ब्लड काउंट बढ़ जाएगा, पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा, इंक्रीज इन ब्रीदिंग रेट, यहाँ पे भैया ऑक्सीजन लेवल कम है, ऑक्सीजन लेवल को अब टिश्यू पे कम पहुँच रही है, उससे कोप अप करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए आरबीसी का काउंट बढ़ गया, ब्रीदिंग रेट बढ़ गया, थ्रोम्बोसाइट या थ्रोम्बोब्लास्ट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये और ये बी और सी को चुन लीजिए, बी और सी, ठीक है जी। ये अडेप्टेशन है, जिसको हम एक्लिमेटाइजेशन बोलते हैं। और सिम्टम्स क्या आएंगे, सिम्टम्स आएंगे हमारे एल्टीट्यूड सिकनेस। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, टेपेटम नॉरिशेज द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, हाँ जी नॉरिशमेंट करता, हाइलम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन ओवल एंड फनिक्यूल, ये बात भी ठीक है, इन एक्वाटिक प्लांट्स सच एज वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन इज बाय इंसेक्ट्स, ये बात भी ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड, हाँ ये बात भी ठीक है, सभी स्टेटमेंट आपके ठीक है, ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ह्यूमन नेफ्रॉन, ह्यूमन नेफ्रॉन के लिए कौन सा इसमें से स्टेटमेंट ठीक है, पोडोसाइट सर्टेन माइन्यूट क्रिएट माइन्यूट स्पेस पोडोसाइट फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन टू बोमन कैप्सूल, तो फिल्ट्रेशन ब्लड को छनने के लिए प्लाज्मा छन के किस में आ जाएगा, प्लाज्मा छन के बोमन कैप्सूल में आ जाएगा, क्योंकि ये जो हमारे अंदर की एपिथीलिया ये पोडोसाइट्स के रूप में डेवलप हो गई, स्क्वामोज एपिथीलियम गेट मॉडिफाइड इन टू पोडोसाइट, और पोडोसाइट के बीच बीच में माइन्यूट पोर है, जिससे कि छन के यहाँ से एफरेंट आर्टियोल ब्लड यहाँ से जो जा रहा है वो ब्लड प्लाज्मा छन के इनमें से इधर आ जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनाएगा, तो पहला ही स्टेटमेंट ठीक है। हेनलेस लूप मोस्ट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मेजर सब्सटेंसेस फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ये काम पीसीटी करती है। डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब रीअब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम, रीअब्जॉर्प्शन नहीं सिलेक्ट एक्टिव सिक्रीशन करता, तो ये स्टेटमेंट भी गलत, ये भी गलत। एफरेंट आर्टियोल कैरीज ब्लड अवे, अवे नहीं टूवर्ड्स ग्लोमेरुलस, तो ये स्टेटमेंट भी गलत। देखिए तीनों स्टेटमेंट नीचे वाले गलत है, हेनले लूप में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, पीसीटी में होता है, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन पोटेशियम नहीं होता, सिक्रीशन होता है, एफरेंट आर्टियोल ब्लड टूवर्ड्स द ग्लोमेरुलस लाती है, ले नहीं जाती। मैच द टू कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, ठीक है जी। तो ये जो साइनोवियल ज्वाइंट, हमारे लोग की बॉडी में तीन तरह के ज्वाइंट हैं, कौन से ज्वाइंट है, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट जिसमें कार्टिलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फाइब्रस ज्वाइंट जो कि सूचर्स वगैरह बहुत कम मूवमेंट दिखाएंगे, और साइनोवियल ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट में फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट किसमें मिलेगा आपको, शोल्डर ज्वाइंट में बिटवीन द ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल। हिंज ज्वाइंट आपका कब्जा ज्वाइंट, तो केवल एक तरफ चलता है, जैसे हमारी एल्बो में और नी में, तो इसके आगे लिख लीजिए एल्बो और नी। पीवेट ज्वाइंट जो हमारी फर्स्ट वर्टिब्रा और सेकंड वर्टिब्रा के बीच में, एटलस और एक्सिस के बीच में पीवट ज्वाइंट है। और सैडल ज्वाइंट हमारे कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में, तो ये आप इसको इसी हिसाब से बॉल एंड सॉकेट के आगे, बी के आगे लिखिए 5, ये ए
बॉल एंड सॉकेट के आगे ए के आगे लिखिए फाइव, अब या तो सी है या तो ए है। हिंज ज्वाइंट के आगे आप लिखिए नी फोर, ये भी अभी तक यहाँ पे सही है। फिर उसके बाद पीवट के आगे लिखिए आप टू, ये वाला आपका मिल गया, ये वाला आंसर है आपका। ओके जी, चलूँ आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ ब्रेन इज इनकरेक्टली मैच विद इट्स फंक्शन। कॉर्पस कैलोसम, कम्युनिकेशन बिटवीन राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल कॉर्टाइज, बिल्कुल ठीक बात है, कॉर्पस कैलोसम यही कर रहा। सेरिब्रम, कैलकुलेशन एंड कॉन्टम्पलेशन। सेरिब्रम हमारा आईक्यू से और जितने भी कॉम्प्लेक्स गतिविधि है, लिखना पढ़ना ये सब, वो सारे यही इमोशंस। तो कैलकुलेशन, हाँ जी, बुद्धिमत्ता से रिलेटेड है कैलकुलेशन, ठीक बात है। मेडुला ऑब्लोंगेटा, होमोस्टेटिक कंट्रोल, बिल्कुल ठीक बात है। मेडुला ऑब्लोंगेटा पे आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाला, बीपी को कंट्रोल करने वाला, हार्ट रेट को कंट्रोल करने वाला मेडुला ऑब्लोंगेटा पे आपके हैं सेंटर्स। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर भी मेडुला ऑब्लोंगेटा पे है, तो होमोस्टेसिस, बिल्कुल ठीक बात है। सेरिबेलम, लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन। सेरिबेलम का काम लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन नहीं है, लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन का काम भी सेरिब्रम कर रहा। सेरिबेलम का काम है कि ये कोऑर्डिनेट करता है वॉलंटरी मूवमेंट को, सच एज पॉस्चर, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, स्पीच, रिजल्टिंग इन स्मूथ एंड बैलेंस मस्कुलर एक्टिविटी। तो ये सारे के सारे काम, ये आंसर था, ये गलती से यहाँ आ गया, इसका यहाँ तक होना चाहिए था क्वेश्चन, ठीक है जी। तो इसको क्वेश्चन को आप यहाँ तक पढ़ के बताइए, ये क्वेश्चन यहाँ तक था, ये नीचे उसका एक्सप्लेनेशन है कि सेरिबेलम क्या काम करता है, वॉलेंट्री मूवमेंट्स को सच एज पॉस्चर, जो हमारे खड़े उठने बैठने का तरीका है, भाव भंगिमा, उसको कंट्रोल करता है, बैलेंस को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेशन करता है मस्कुलर मूवमेंट में, स्पीच, बोलने में, रिजल्टिंग इन स्मूथ एंड बैलेंस मस्कुलर एक्टिविटी, कि हमारी जो मस्कुलर एक्टिविटी वो अच्छी तरह से स्वचालित होती रहे। तो वही सेरिबेलम का आंसर गलत दे रखा था। आगे बढ़ता हूँ। द अमीनो एसिड ट्रिप्टोफान इज द प्रिकर्सर ऑफ सिंथेसिस ऑफ। अमीनो एसिड ट्रिप्टोफान किसका प्रिकर्सर है? मेलेटोनिन और सेरेटोनिन का। और हमारा ट्रिप्टोफान इसका प्रिकर्सर हो गया टायरोसिन, टायरोसिन से आपका बन रहा है थायरोक्सिन, और टायरोसिन से हमारा बन रहा है नॉरएड्रेनालिन और एड्रेनालिन। तो ट्रिप्टोफान सर्व प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ सेरोटोनिन एज वेल एज फॉर मेलेटोनिन, वेयर एज फिनाइल एनालिन आफ्टर इज हाइड्रोक्सीलेशन प्रोड्यूसेस टायरोसिन अमीनो एसिड, टायरोसिन अमीनो एसिड से फिर एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन और हमारे थायरोक्सिन, इससे निर्माण हो रहा है अपने टायरोसिन से। तो ट्रिप्टोफान एग्जांपल आंसर हो जाएगा। मिलेटोनिन और सेरोटोनिन का प्रिकर्सर कौन है? ट्रिप्टोफान। ईस्टर साइक्लिस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेमेलियन फीमेल अदर देन प्राइमेट, जो भी उस समय हम बात कर रहे थे कि मेमेलिया के आपके क्लास मेमेलिया में कितने ऑर्डर हैं, 19। उन 19 ऑर्डर में से एक ऑर्डर है प्राइमेटा। तो प्राइमेटा की फीमेल्स क्या दिखाती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। बाकी के क्या दिखाते हैं? ईस्टर साइकिल। मेमेलियन फीमेल्स अदर देन प्राइमेट ईस्टर साइकिल, जिसको बोलते हैं हीट पे आ गई बिच, या कहिए कि काओ हीट पे आ गई। ईस्टर साइकिल के दौरान ही वो कॉपुलेट करेंगे, मतलब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एक्ट करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग? वेजिटेटिव सेल इज लार्जर देन जनरेटिव सेल एंड इट्स डिवाइड इनटू टू मेल गैमिट, यही गलत है। यहाँ तक तो स्टेटमेंट ठीक है, वेजिटेटिव सेल लार्जर होती है जनरेटिव सेल से, लेकिन जनरेटिव सेल डिवाइड होकर दो मेल गैमिट बनाती है, स्टेटमेंट यही गलत है। पोलन ग्रेन इन सम प्लांट रिमेन वायबल फॉर मंथ्स, बिल्कुल ठीक बात है। इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और एग्जाम किसका बना है? स्पोरोपोलिन, जो हार्डेस्ट कार्बनिक कंपाउंड नोन है, एल्कली काम नहीं करती, एसिड काम नहीं करती और हाई टेम्परेचर काम नहीं करता स्पोरोपोलिनिन पे। व्हेन पोलन इज शेड एट टू सेल स्टेज इवन देन टू डबल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, अगर पोलन ग्रेन की शेडिंग टू सेल स्टेज पे हो गई, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल, तब भी ये डबल फर्टिलाइजेशन कॉज करेगा। क्यों? क्योंकि जनरेटिव सेल डिवाइड होकर दो मेल गैमिट बनाएगी और एक मेल गैमिट फ्यूज होगा एक सेल से, एक मेल गैमिट फ्यूज होगा डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस से, तो डबल फर्टिलाइजेशन फिर भी हो जाएगा। स्टेटमेंट कौन सा गलत है? ये वाला गलत है, गलत स्टेटमेंट ही पूछा गया। चलिए आगे। इन सेकेंड मैच्यूरेशन डिवीजन मेमेलियन ओवम में कब होगा? जब स्पर्म उसके साथ एंटर कर जाएगा, फ्यूज एंटर कर जाएगा। तो अंटिल द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म फ्यूज, ये वाला स्टेटमेंट नहीं। अंटिल द ओवम हैज पेनिट्रेटेड बाय स्पर्म, ये है। पेनिट्रेट करने पे जब स्पर्म का हेड अंदर चला जाता है, पेनिट्रेट करता है, तब ये सेकेंडरी ओसाइट कंप्लीट होकर डिवाइड होकर सेकेंडरी पोलर बॉडी और हमारा फीमेल गैमिट बना देती है। चूज द राइट अमंग द स्टेटमेंट गिवन बिलो। इंट्रायूटेराइन डिवाइस जनरली इंसर्टेड बाय द, हमें राइट बताना है। इंसर्टेड बाय यूजर इटसेल्फ, हरसेल्फ नहीं, हमको प्रोफेशनल की ज़रूरत है, नर्स वगैरह की, डॉक्टर वगैरह की, खुद आप नहीं कर सकते। IUD इंक्रीजेस फैगोसाइटोसिस रिएक्शन इन यूटरस, ये स्टेटमेंट ठीक है।
यूडी, वैसे आपकी बुक में फैगोसाइटोसिस के लिए मेंशन नहीं, वहाँ पे ये मेंशन है कि ये स्पर्म की मोर्टेलिटी को कम कर देता, लेकिन ये फैगोसाइटोसिस भी कराता है, ये स्टेटमेंट ठीक है, फैगोसाइटोसिस कराएगा स्पर्म की मोर्टेलिटी कम कर देगा जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। आईयूडी सप्रेसेस गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस सप्रेस करने का काम नहीं करता, ये काम नहीं करता, खुद नहीं कर सकते, वंस इज इंसर्टेड नीड नॉट बी रिप्लेस, ये स्टेटमेंट भी गलत है कि ऐसा नहीं कि एक बार इंसर्ट करा ली फिर ज़रूरत उसको रिप्लेसमेंट की नहीं पड़ेगी। सो द करेक्ट आंसर इज आईयूडी जनरली इंसर्टेड बाई यूजर इटसेल्फ, ये नहीं, एंड इंसर्शन कॉजेस फैगोसाइटोसिस एंड मेक्स द स्पर्म मोटाइल, ये वाला करेक्ट ऑप्शन ये है, इंसर्शन कॉजेस फैगोसाइटोसिस एंड मेक्स द स्पर्म मोटाइल। हम लोग को क्या पूछना था, सही कि गलत, क्या था सही पूछा था कि गलत पूछा था, राइट, हाँ राइट यही है कि ये फैगोसाइटोसिस करता है और स्पर्म को इमोटाइल करता है। एलील्स क्या है, एलील्स आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम जीन, एक ही जीन के डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट मॉलिकुलर फॉर्म ऑफ सेम जीन, दीज आर द एलील। ओनली 64 कोडॉन, केवल 64 कोडॉन आउट ऑफ 64 कोडॉन, भाई 64 कोडॉन है, केवल 61 कोड कर रहे हैं 20 अमीनो एसिड के लिए। दिस करेक्टर ऑफ जेनेटिक कोड, इसको क्या बोलते हैं, डीजेनरेसी बोलते हैं। डीजेनरेसी का मतलब कि एक जेनेटिक कोड एक अमीनो एसिड के लिए है केवल, लेकिन एक अमीनो एसिड के लिए कई सारे कोडॉन हो सकते हैं, ठीक है, ये है। तो आउट ऑफ 64 इसलिए भैया 20 के लिए, क्योंकि एक के लिए चार छः या दो, तो इसको बोलते हैं डीजेनरेसी, भ्रष्ट, जिसको बोलते हैं भ्रष्ट। तो होना क्या चाहिए, केवल एक सोना या बाबू होना चाहिए, जब आप एक से ज़्यादा कर लेते हो तो इसका मतलब आप करेक्ट हो। वही चीज़ कि अमीनो एसिड के लिए एक जेनेटिक कोड होना चाहिए, अब एक अमीनो एसिड के लिए कई सारे जेनेटिक कोड, इसका मतलब डीजेनरेसी कि वो करप्ट है। नॉन एम्बिगुअस नेचर, नॉन एम्बिगुअस नेचर का मतलब होता है कि एक जेनेटिक कोड केवल एक अमीनो एसिड के लिए, उसका वो मतलब होता है, ठीक है। ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग एक के ऊपर एक, वो भी नहीं है, चलिए आगे। विच वन आर नॉट एनालोगस ऑर्गन, इनमें से एनालोगस ऑर्गन कौन से नहीं है, तो विंग्स ऑफ बर्ड एंड विंग्स ऑफ बट, एनालोगस ऑर्गन कौन से हैं, एनालोगस ऑर्गन हुए जिनकी उत्पत्ति तो अलग अलग है, पैटर्न एक नहीं है, एनाटॉमिकल पैटर्न अलग है, लेकिन सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो एनालोगस ऑर्गन कहलाते हैं। बर्ड विंग का, बर्ड और विंग बटरफ्लाई का उत्पत्ति अलग अलग है, लेकिन एक का, क्योंकि उड़ने का काम कर रहे हैं इसलिए वो एनालोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल हैं। आई ऑफ ऑक्टोपस, आई ऑफ मैमल देखने का काम कर रहे हैं, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अलग है, एनालोगस ऑर्गन है। फ्लिपस ऑफ पेंगुइन और फ्लिपस ऑफ डॉल्फिन, ये भी तैरने का काम कर रहे हैं लेकिन एनालोगस ऑर्गन है, क्योंकि उनका बोनी फ्रेमवर्क अलग है। थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलियन, टेंडल्स ऑफ कुकरबिटा, ये होमोलोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल है। होमोलोगस ऑर्गन वो होते हैं जिनकी उत्पत्ति तो एक जैसी हो लेकिन काम अलग अलग कर रहा हूँ, तो इसमें बन गया आपका थॉर्न और इसमें बन गया आपका टेंड्रिल, ये होमोलोगस ऑर्गन है, और ये होमोलोगस ऑर्गन इसलिए है क्योंकि ये एक्जिलरी बड से बने हैं, एक्जिलरी बड का मॉडिफिकेशन एक का थॉर्न में एक का टेंड्रिल में, तो स्ट्रक्चर दिखने में अलग अलग है लेकिन उत्पत्ति एक जैसी है, फंक्शन अलग अलग कर रहे हैं। थॉर्न कांटे बना रहा है और उसको हेल्प कर रहा है प्रोटेक्शन में हर्बीवोरस एनिमल से, हर्बीवोरस एनिमल शाकाहारी एनिमल इसको खाएंगे नहीं, और टेंड्रिल उसको हेल्प कर रहा है सॉफ्ट स्टेम में ऊपर चढ़ने में, तो दोनों का फंक्शन अलग है, उत्पत्ति एक है। होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है, एनालोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल नहीं है, डी आंसर हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेलोसिनोजेनिक ड्रग, हेलोसिनोजन की भ्रमजाल जो नहीं है आप उसको भी फील करें, आप साउंड को देखें, साउंड आपको दिखाई देगी और पिक्चर आपको सुनाई देगी। हेलोसिनोजन LSD, लाइसर्जिक एसिड की वजह से, LSD जो है हमारा लाइसर्जिक एसिड, ये हमारे को हेलोसिनेशन करता है, ठीक है जी। LSD हैप्लॉइड्स आर मोर सुटेबल फॉर म्यूटेशन स्टडी देन डिप्लॉइड, हैप्लॉइड वो है सेल जिसमें एक जीनोम है, डिप्लॉइड वो है जिसमें दो जीनोम है, तो दो जीनोम है तो उसमें वहाँ चलेगा डोमिनेंट करेक्टर और रिसेसिव करेक्टर, दो एलील है तो डोमिनेंट करेक्टर तो शो कर देगा, रिसेसिव करेक्टर शो नहीं करेगा। हैप्लॉइड में केवल एक ही है तो हैप्लॉइड भले डोमिनेंट एलील हो भले रिसेसिव एलील हो इफेक्ट दिखा देगा। हैप्लॉइड्स आर रिप्रोडक्टिवली मोर स्टेबल, नहीं। म्यूटाजेंस पेनिट्रेट इन हैप्लॉइड मोर एफिशिएंटली देन डिप्लॉइड, नहीं। हैप्लॉइड्स आर मोर अबंडेंट इन नेचर, नहीं। ऑल म्यूटेशन वेदर डोमिनेंट और रिसेसिव आर एक्सप्रेस इन हैप्लॉइड, ये कारण है कि म्यूटेशन जो हुआ भले वो डोमिनेंट टाइप का है भले वो रिसेसिव टाइप का, उसका असर आपको एक्सप्रेशन दिख जाएगा क्योंकि हैप्लॉइड में काउंटर पार्ट नहीं है, उसका काउंटर एलील है ही नहीं कि उसको दबा ले, तो भले डोमिनेंट एलील हो भले रिसेसिव एलील हो अपना इफेक्ट दिखा देगा म्यूटेशन।